अगर आप ये लिट्टी इस तरीके से बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और इसमें ऑयल भी है तो बहुत ज़्यादा इसे तलने में ऑयल भी नहीं लगता है। तो आज मैंने इसे बहुत ही नए तरीके से बनाया है। सबसे पहले हम लिट्टी का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लहसुन, मैंने यहाँ पर 1 साबुत लहसुन को छील लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो हम इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप सत्तू लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सबसे पहले मिला देंगे। इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, आप चाहे तो इसे बारीक काट भी सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा अचार का मसाला। अचार का मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अचार का मसाला डालने से ये थोड़ा चटपटा बनता है, तो इसलिए मैंने इसमें अचार का मसाला डाला है। अगर आप इस तरीके से ये सत्तू का मसाला बनाते हैं तो ये बहुत ही चटपटा मसाला बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने इसे थोड़ा सा मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू को निचोड़ लिया था और उसका बीज निकाल दिया, तो इसमें डाल दिया नींबू का रस। इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये मसाला भी थोड़ा सा सूखा सूखा है तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सत्तू का मसाला बनके तैयार हो गया है। चलिए अब लिट्टी भरने के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप के करीब आटा, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 4 से 5 चम्मच हमें इसमें ऑयल डाल देना है। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ताकि आटे में ऑयल और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा ना तो हमें बहुत ज़्यादा ही सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो ये देखिए हमें बीच बीच का आटा गूंद के तैयार करना है। तो अब हम इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए आटे को मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें लिट्टी भर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे। तो लड्डू के साइज़ की हम इसकी लोई काट लेंगे। अब लोई को हमें चिकना कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर कटोरी जैसे इसे हाथ से दबाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ये सत्तू का मसाला डालेंगे और इसे गोल घुमाते हुए इसे बंद कर देंगे। ये देखिए मैं इसे गोल घुमाते हुए और बीच में थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसे बंद कर दे रही हूँ, ताकि लिट्टी के अंदर का जो मसाला है, फिलिंग है, वो बाहर नहीं निकले। और इसे अच्छे से दोनों साइड से दबा देते हैं ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से हम सारी लिट्टी को भर कर तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और भर कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमें लिट्टी ऐसे ही भर के तैयार कर लेना है।
तो जब हम सारी लिट्टी को भर लेंगे तो चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो एक पतीले में मैंने आधा पतीला पानी लिया था। पानी जब बॉईल होने लग जाए तब हमें इसे हाई फ्लेम पर लिट्टी को बॉईल कर लेना है। अगर हम इस तरीके से लिट्टी को पहले बॉईल कर लेते हैं तो फ्राई करते समय ये लिट्टी बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करता है और ये लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो आप ध्यान रखें, जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हमें उसमें लिट्टी डालना है। तो ये देखिए कि लिट्टी 2 मिनट में ही बॉईल होके ऊपर आ गई है। लिट्टी को हमें ओवर कुक नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना क्या होगा, ये लिट्टी जो है ये फट जाएगी। तो बस ये लिट्टी जो है आपका 2 से 3 मिनट में बॉईल हो जाएगा और लिट्टी को हमें उबलते हुए पानी में ही बॉईल करना है। तो बस हम लिट्टी को इस गर्म पानी में से निकाल लेते हैं। अगर आप लिट्टी को डायरेक्ट तेल में छान लेते हैं बिना बॉईल किए हुए तो वो लिट्टी ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है और वो उतना सॉफ्ट भी नहीं लगता है। तो चलिए अब हम लिट्टी को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही गर्म करना है। गैस का फ्लेम अभी हमें मीडियम पे ही रखना है, हमें लिट्टी को हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, नहीं तो आपकी लिट्टी जो है वो जल जाएगी। तो हम लिट्टी को मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इस लिट्टी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमने इसे पहले भी बॉईल कर लिया है, तो ये लिट्टी पहले ही कुक हो चुकी है। तो बस इस लिट्टी को 3 से 4 मिनट आपको फ्राई करने में लगेगा। तो हम इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। और अगर आप इस तरीके से ये लिट्टी बनाते हैं तो ये लिट्टी जो है ये ठंडा होने के बाद भी वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। तो आप इसे 4 से 5 घंटे बाद भी खाएंगे तो ये लिट्टी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आप जब भी अगली बार ये लिट्टी बनाएं तो एक बार जरूर बॉईल करके बनाइएगा। तो ये देखिए, ये जो लिट्टी है ये लगभग दोनों साइड से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके हमें सारी लिट्टी को फ्राई कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।